हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेंशन की गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ए बी सी, और इस एंगल को हमने लिख दिया है यहाँ पर थीटा। अब देखिए, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसका प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। तो हमने अब इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दिया बाई ए सी स्क्वायर से, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर वन। अब देखिए, ए बी अपान ए सी है ना। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो यह हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो अगर हम ए बी अपान ए सी की बात करें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, तो यह साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही देखिए, बी सी बेस है, अपान हाइपोटेनस, बी सी अपान ए सी स्क्वायर है ना, तो यह कास हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम लोग यह देखें कि पहली जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हम लोग बहुत आराम से इसको प्रूव कर पाए। हम लोग सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो देखिए, हमने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अब की बार हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं किससे, बी सी स्क्वायर से, तो डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर वन, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बी सी बेस है, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन होता है, तो यह हो गया टेन थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और यहाँ पर देख रहे हैं ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी को हम लोग कहते हैं सेक, तो यह सेक और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से यह रिलेशन लिख लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब की बार हमने इसको डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो वन देखिए, बी सी अपान बी सी अपान ए बी, इसको लोग काट कहते हैं, तो स्क्वायर है तो काट स्क्वायर थीटा, और वैसे ही ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी को लोग कोसेक तर्क कहते हैं, तो यह हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आज हम लोगों ने यह देखा कि तीन आइडेंटिटीज थी जिनको हम लोगों ने प्रूव किया, और अगले पार्ट में हम लोग इनको यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।